हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उसे स्ट्रीट फूड में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इस रेसिपी में मैं आजमगढ़ का एक छोटा सा विलेज है मुबारकपुर में, उसकी जितनी भी जीवन शैली है, वो कैसे फिश को पकड़ते हैं और कैसे वो बनाकर खाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे साथ बने रहें। ये देखिए किस तरीके से ये लोग फिश को पकड़ते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। आओ देखें। हाँ जाओ जाओ। कमी रही तबले जी बोना तो साल लगा कि नहीं मेरे कमी ना मेरे दिक्कत तनी तो होने के रहला हो तनिया हो कमी रहला हां जी। क्या अब कहां ताकत है मेरे में बाबू दादा बीबी आजा और देखिए कांटे में किस तरीके से इन्होंने फिश को पकड़ लिया है और इसको किस तरीके से ये बनाकर खाते हैं विलेज में, वो देखेंगे। और आपने वीडियो में देखा होगा कि इस ट्रेडिशनल वे से इन्होंने फिश को पकड़ा है। वाओ, कितनी मेहनत करते हैं ये। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने फिश को अच्छे से साफ कर लिया है, इसको अच्छे से चॉप करेंगे। खाई तू ना हो थोड़ा बहुत खाई। डाल लो भाई, ये क्यों बुला रहे। और इन्होंने लिया है बेसन, 5 से 6 चम्मच बेसन लिया है। और ये करीबन 1 kg के आसपास में फिश है जो इन्होंने काट के रखी हुई है। और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। और हमारी फिश भी रेडी है अब वॉश होकर। और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो देखेंगे वीडियो में। और ये बनाने वाले हैं एक छोटे से चूल्हे में।
और इसलिए इन्होंने कढ़ाई के ऊपर लेप लगा दिया मिट्टी का, जिससे वो ब्लैक ना हो। एकदम ट्रेडिशनल वे में ये बनाने वाले हैं। और कढ़ाई को कर दिया इन्होंने गरम। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने मिट्टी के ढेलों के ऊपर ही कढ़ाई रखकर एक चूल्हा छोटा सा तैयार कर लिया और इसको फ्राई करने के लिए कुछ इन्होंने सामग्री काटी है, जैसे प्याज है, हरी मिर्च है। प्याज भी इन्होंने खेत में से तोड़कर ही ली है, आप देख सकते हो, और उसको चॉप कर लिया। 2 से 3 प्याज लिए और 5 से 6 इन्होंने लिया हरी मिर्च, जो छोटे छोटे साइजेस में काट लिया। और बस देखते हैं ये बूढ़े अंकल किस तरीके से आग जलाते हैं। और आपने देख ही लिया होगा वीडियो में चूल्हा इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है। वाओ, हाँ एक रात और कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कोई फीडबैक है आपका तो आप मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। नई वीडियो चाहिए, कौन सी चाहिए, वो भी आप मुझे बताते रहें टाइम टू टाइम, जिससे मैं वीडियो आपके हिसाब से दूँ। और इसमें इन्होंने डाल दिया 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और उसको भी गर्म होने देंगे। इसमें इन्होंने डाला है चॉप किया हुआ प्याज और दूसरी साइड इन्होंने चॉप किया हुआ है हरा धनिया गार्निश करने के लिए, पहले से काट लिया। वाओ, इन्होंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक ही साथ डाल दी हैं। और इसको सॉटे करेंगे जब तक इनका कलर ब्राउन ना हो जाए। और ऊपर से इन्होंने डाल दिया हरी पत्तियां धनिए की। और देखिए प्याज भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। और इसमें इन्होंने डाल दिया है फिश अच्छे से मिक्स करेंगे। में डलते कहा ना इनमें हम काट के डाल। हाँ
और हमारी फेशिया हल्की सी ये भी सॉफ्ट हो चुकी है। और इसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा स्पाइसी बनाए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ऊपर से हमने डाला गरम मसाला हल्दी पाउडर और बस इसको कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा इनको तीखा काफ़ी पसंद है तो इन्होंने थोड़ा सा और ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। और ये जितने भी मसाले हैं इन्होंने राजेश मसाले यूज़ किए हैं, हल्दी भी, मिर्च भी और गरम मसाला भी। और बस इसको हल्का सा और ऐड किया टर्मरिक पाउडर और बस दो मिनट पकाएंगे जिससे हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, पक जाए। और ऊपर से इन्होंने डाल दिया कम से कम 2 से 3 गिलास पानी और फिर इसको धीरे 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 पकने देंगे। ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाले हैं। टोटल इसमें 3 गिलास जाएगा पानी। वाओ देखिए कलर देखिए कितना क्या जबरदस्त आया है और खाने में भी बहुत जबरदस्त बनी है। और बस इस तरीके की रेसिपीज अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार घर पे ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को आप राइस के साथ, परांठे के साथ या फिर आप लिट्टी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया इन्होंने लिट्टी के साथ इसको खाया है। वाओ बस इसको कंटिन्यूस 5 से 7 मिनट तक सिम आंच पर पकने दें और गार्निश करें हरे धनिए से। थोड़ा सा नमक और ऐड किया है इन्होंने और रेसिपी बनकर तैयार। इस तरीके की रेसिपीज आपको आई एम श्योर पसंद आती हैं और कंटिन्यूस इस तरीके से ही आप मेरा चैनल व्यू करते रहें। अगर आपको इस तरीके की विलेज की रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। और इसको ढक देते हैं, अच्छे से पक जाएगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। ऐसा कि बाबू ये सब पेड़ लगा लग मतलब ना बड़ा आकाश करक पड़ा था। जब ले पकड़ी ना तब ले दोनों तीनों टाइम सेवा। धारा ना साला ना ये ना ढक रहा है बस लाए के ढोप दे थैंक यू मेरे पढ़ ले। बस छुट्टी
झुलिया को खतिए मत।